अच्छा वो कहता, उन्होंने कहा कि आपको ना स्ट्रेस होती है तो आप कैरम बोर्ड खेलो, तो मैंने समझा कि मैं पार्टनर बहुत ज्यादा हूँ, मेरे पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत ज्यादा खेलता यार। जुआ लगा जुआ लगा दिया। दिया। और एंड पे ऑनर कहता तुमने ऑफिस ही पूरा जो है। ऐसे एक चीज होता है मैंने ऐसा। देखी है कि 80% लोग जो है ना वो आईफोन को ऊपर वाली पॉकेट में रखना शुरू कर देते हैं जब हाँ, लेते हैं, तो दिखाना शुरू करते हैं, दिखाना, शो ऑफ और करना शुरू कैमरे को करते मोड़ हैं लेंगे, मतलब कैमरे जो है एग्जैक्टली ना वो बाहर की तरफ कि दिखें, शो ऑफ हो शो जाए। ऑफ हो जाए। तो हाँ बहुत कहता, फनी किसी थी। ने कहा माल, मैंने कहा माल रोड में बहुत ही माल बहुत हो रहा है, ज्यादा उन्होंने माँ बहन एक कर दी। माल वो हर के पास जाता होगा ना माल दो, हर के पास होगा। जाता माल तो अब दो। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड डायरेक्शन। मैं हूँ ईशा तारिक और मेरे साथ है, मैं हूँ फैसल। और हमने वीडियो निकाली, एक सजेशन आ रही थी बहुत ज्यादा, मतलब जो भी हम स्टैंड अप कॉमेडी करते थे तो उसके नीचे ना एक लड़का है, वो बार 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 ये रवि कमेंट करता है। गुप्ता, रवि एग्जैक्टली, गुप्ता की हम पहली दफा एटीट्यूड देखने जा वीडियो। रहे हैं, पहली दफा एटीट्यूड की वीडियो है। अब एग्जैक्टली, यहाँ पे बड़ा पंगा हो जाएगा क्यों क्योंकि कहीं मुझे एटीट्यूड अच्छा लगता है और कहीं मुझे एटीट्यूड नहीं अच्छा अच्छा नहीं लगता, तो लगता? अब ये पता नहीं कौन सी एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि एटीट्यूड की भी सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशंस होती है। कहीं पे हाँ, एटीट्यूड जो है वो लगाना पड़ता है और कहीं पे उल्टा पड़ जाता है एटीट्यूड। तो देखते मोस्टली उल्टा ही हैं पड़ता कि आपको क्या वैसे। लगता है ये किस एटीट्यूड की बात कर रहे मुझे होंगे, लग रहा है ये रिलेशनशिप एटीट्यूड वाला एग्जैक्टली या रिलेशनशिप एटीट्यूड वाला, जैसे गर्ल्स हम बॉयज का एटीट्यूड वाला। एग्जैक्टली जैसे रिलेशनशिप में एक हाँ लड़की एटीट्यूड में आ जाती है, वो रिप्लाई नहीं करती मैसेज का, तो इस हाँ तरह का मुझे ये एटीट्यूड क्योंकि वाला सीन एटीट्यूड की लग तो रहा इतनी ज्यादा कैटेगरीज हैं कि बंदा है। सिर्फ एटीट्यूड के टॉपिक पे बहुत सारी जो है ना कॉमेडीज बना और हमें सकता है। सजेशंस कितनी आ रही होती हैं, मतलब विराट कोहली एटीट्यूड वीडियो, इसकी हाँ एटीट्यूड अब वीडियो, जैसे विराट एल्विश कोहली यादव। का हाँ एटीट्यूड है, एल्विश का है, वो कहीं कहीं अट्रैक्ट कर रहा होता है, कुछ हाँ एटीट्यूड ऐसी कैटेगरीज में पाए जाते हैं जो जो कि जहर नहीं लगते जहर लग रहे होते हैं। हैं। तो अब ये सस्पेंस बहुत ज्यादा बन गया है हाँ कि ये एटीट्यूड किस कैटेगरी वाला है। एग्जैक्टली, तो तो वीडियो वीडियो को को स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद। वीडियो का ओरिजिनल लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उनके चैनल पे भी जाएं, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमें भी सब्सक्राइब कर दें। नहीं कर रहे बिल्कुल, ना, 50K नहीं हो रहे हमारे ऑब्वियसली, इतने मतलब जल्दी, 40 पे आ गए, ऐसे स्टक हो गए, स्टक हो आगे इनका गया दिल है नहीं कर ना रहा। यार। अगर दिल नहीं कर रहा तो हमें अच्छी अच्छी सजेशंस दे हाँ, दो। आप सजेशन दिया हाँ करें, हम उनपे किया करेंगे, अमल किया लेकिन करेंगे और कुछ नई नई सजेशंस वीडियोस लाया ऐसी हैं जो करेंगे। पेंडिंग पे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको ले ऑब्वियसली रहे हैं, ऑब्वियसली लेकिन वो फिर कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हमने सजेशन दी थी, तुम्हारी नंबर ही नहीं आया, तो ऐसा होता है नंबर कि आएगा, एक सबका वीडियो आएगा। के नीचे ही इतनी सजेशंस आ जाती हैं, तो वो फिर पिक करना काफी टफ होता है, लेकिन हम जितना हो पाता है उतना करते हैं, बाकी आप देते रहा करें, कभी ना कभी तो लगेगी वीडियो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी जो ओपिनियन होगी हम आपसे जो है वो एंड पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत किया करो मुझे मैसेज। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत किया करो मुझे मैसेज। ये कैसा एटीट्यूड है, मतलब कर भी रही है और वो चाहती है कि वो बात करे। हाँ ये मुझे लगता है रिलेशनशिप वाला एटीट्यूड है। बाय रवि गुप्ता। मैं अपने बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, सुनना चाहते आपको हैं, सुनना ही होगा, हम सुनेंगे। कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीजों को लेकर मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूँ। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया है। मैंने बोला, फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया। नेगेटिव। बोले, तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला, पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत या। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है, डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा। मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया, मैंने बोला वेट कम करना है। बोला, तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैंने बोला, मेरे पास तो गाड़ी। मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़के ना। बिल्कुल। बोला, उसी गाड़ी पे बैठ के भाग जाओ यहाँ से। उसी गाड़ी पे बैठ के देखो, मैं एफर्ट मार तो रहा हूँ कम से कम। उसने बोला, ग्रीन टी पियो, मैं बना रहा हूँ ग्रीन टी। अच्छा, दूध ही ग्रीन टी फट जा से रहा है बैठता बार बार, लेकिन वो बना रहे। फ्लाइट पे जा रहा हूँ, एयर होस्टेस से मेरा झगड़ा हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, बेल्ट नहीं बंद हो रही। बोली, ढंग से करो, हो जाएगी। मैंने बोला, पैंट की नहीं बंद। बोली, जहाज उतरते ही सबसे पहले तू उतर जा। जाते जाते मैंने बोल दिया कि तुम लोग भी कम बेवकूफ नहीं बना रहे हो।
नीचे फुल स्पीड में चलाते हो, ऊपर जाके स्लो कर देते हो। हम पागल है, हमें समझ नहीं आ रहा यार क्या सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लाइट रुकने के बाद हमेशा एक सीढ़ी आती है जिससे लोग नीचे जाते हैं। बिना सीढ़ी है मेरे को ढकेल दिया। बोले मत बिठाना इसको बस में, हो सके तो कुचल दो। लोग मुझे समझ नहीं पा रहे यार। एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, उस पे पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए। जब मैं ऑटो लेने लग गया उसका, बहस कर रहा है मेरे साथ कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते। तुम लोग लगता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम मेरी सुनोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैंने कुत्ता पाला था, मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा। मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है, कुत्ता मुझे ही काट लिया था। उसने ईगो पे ले लिया था कि कैसे नहीं काट सकता बे, मैं पोपला थोड़ी हूं। मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया। 3 महीने हवा में बैठा हूं, बैठ नहीं सकता था। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूं, यहां लाके देख रहा उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ। मेरे मजे ऊपर वाला ले रहा। मेट्रो जाता हूँ, सोच के जाता हूँ मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिलती भी नहीं। मेट्रो गया, हैंडल पकड़ खड़ा था, सामने का अंकल बैठे, तो बोला बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा ठीक। अंकल उतर गए, मेरे हाथ हैंडल में फंस गए। मुझे जहाँ उतरना था मैं नहीं उतर पाया। लास्ट में मेट्रो का ड्राइवर ही आ रहा है, बोला बेटा इसको ऐसे खोलोगे ना निकल जाएगा। तब से देख रहा हूँ सीसीटीवी में, चिल्ला रहे मम्मी मर गया, कहाँ चला जाऊँ मम्मी। एक चाटा खींच के मारा उसने मेरे को कि साले दोबारा मेट्रो में दिखाई मत देना। मेरा मेट्रो कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसने। मैंने बोला वो एटीएम कार्ड था चाचा। लाइफ क्या सॉफ्ट वे है उसका बात करने का। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, बहुत प्यार। एक दिन बोली मेरे मरने के बाद क्या करोगे रवि, मैंने बोला अंतिम संस्कार। बनता तो यही है, सच्चा इंसान यही तो होता है ना। भाग गई छोड़ के पता नहीं। हाँ। मरने के बाद और क्या हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे। उसकी रूह है उसका। बचपन भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था, माँ बाप मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, मुझसे अननेसेसरी चीजों की डिमांड करते थे, बोलते थे नहाओ। नहाना अननेसेसरी, रोज नहाओ और हर दिन शरीर पे 20 लीटर पानी डाल के समाज का कौन सा भला करते रहते। और नहाना तो मुझे बड़ी शर्मनाक चीज लगती है, आदमी को हर दिन नंगा होना। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें हर दिन नंगा होना, अपनी ही नजरों में रोज दिखा। घर वाले बोलते शरीर मिट्टी का बना है, तो पानी डाल डाल के क्यों गलवा रहे हो यार। बोले नहाने से मन खुश होता है, अरे मन तो मोमोस खा के खुश हो जाता है, इतने चोचले करने की क्या जरूरत है। माँ बाप खुश देख नहीं पाते थे, छोटे थे भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, बहन ने मुझे पीटा, जैसे मेरी पीटने की बारी आई घर वाले छुड़ा के ले जा रहे कि नहीं नहीं झगड़ा मत करो। अरे यार इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम। अब मैं खड़ा हुआ वहां पे हाथ में पत्थर लेके कि 2 मिनट रुक जाते यार, प्रॉपर्टी अभी शॉर्ट होने वाली थी। अकेला वारिस यार, वे ऑफ डिलीवरी कमाल। मेरा सपना था मैं हमेशा फॉरेन में रहना चाहता हूँ, फॉरेन में, पर गरीबी कैसी चीज होती है। पर मैंने मेहनत की, और आपको एक चीज बता दूं, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा तो मैं गरीब ही रहा। गरीबी की वजह भी मैं ही हूँ, माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। okay. घर किश्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आते हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ गया। मैं लोगों को ऐसे निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो सुन बे एंड्रॉइड से फोन मत किया कर, मुझे
आईफोन साथ बिठा लिया, साथ खा लिया बहुत और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे कुछ नहीं दे रहा मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था, कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था हाथ में, यह तो जाना ही पड़ेगा। लड़कियां स्ट्रिक्स बना लेते, घर वाले मुझे समझा देते कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है, पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। इमोशनल डैमेज। और ये फालतू की बातें हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ती है, आईफोन खरीदो मेहनत करके माँ के गहने छुड़वा माँ के गहने रख के ले लो। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी। अच्छा, मैंने जॉब छोड़ी, उन लोगों ने निकाला, इस पे अभी भी निकाला ही होगा। अभी वो डिसीजन नहीं हुआ, उन्होंने निकाला जबकि उनको बोलते थे तुरंत रिजाइन दे दिया था। कुछ मिली सेकंड का फर्क, टेक्निकली मैं ही जीता हूँ, एक सेकंड जीता। मेरी बॉस से बन नहीं रही थी, मेरी लाइफ बहुत घुस रहा है, बोले तुम हॉरर मूवीज मत देखा करो, इससे दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस, बोला ऑफिस में मत देखा करो। ऑफिस में हॉरर मूवी देख रहा है, मुझे एक तो ऑफिस का कंसेप्ट ठीक नहीं लगता, हर दिन मुंह उठा के तुम एक ही जगह जा रहे हो, ना तुमसे कोई चाय पूछ रहा है ना पानी पूछ रहा है। बोला काम करो, पूरे महीने काम करो, सैलरी एक दिन देंगे, ये कोई तरीका? मुझे तो ऑफिस वाले झूठे लगते थे। बोले हमारा ऑफिस एक फैमिली है। अरे बनियान पहन के तो जाने नहीं दे फैमिली कैसे होती यार, ये कैसी फैमिली है? मेरा सिर्फ शरीर ऑफिस जाता था, मेरी आत्मा गोवा घूम रही है। गोवा बीच, बीच पे घूम रहा हूँ, बिकिनी पहन के घूम रहा हूँ। सोच रहे हो तो कुछ भी सोच सकते हो दोस्त, लोग स्कूटी पे घूम रहे हैं, मैं केकड़े बैठ के चुप हूँ। आप देखो गोवा में हर आदमी स्कूटी पे घूम रहा है, वहां पैदल चलने पे पुलिस पकड़ लेती है। कि स्कूटी पे क्यों नहीं हो तुम लोग यार? स्कूटी गोवा का राष्ट्रीय वाहन है। जो आदमी वहां स्कूटी नहीं चला रहा वो स्कूटी बेचने में लगा हुआ। एक आदमी मेरे पास आया, बोला स्कूटी चाहिए तुम्हें? स्कूटी पे ही बैठा था वो। मैंने बोला लाओ भाई, तो मना करूंगा मर नहीं जाएगा तो? स्कूटी ले ली उसकी, 5 मिनट तक खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोला मुझे घर तक छोड़ दोगी? बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ, बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे। एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते। 48 चाय एक दिन में, वो तो ऑफिस वैसे बैंकक्रप्ट हो जाएगा। बहाने कर रहे हैं कि मशीन फूक गई है ये वो। किसी का बर्थडे आ जा रहा है तो एचआर इतनी फोटो डाल दे रहा है हर ग्रुप में, मुझे लग रहा है मरवर तो नहीं गया। मैं मिस यू लिख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, बच्चों की मां को केक खिला के गया अभी, यार कैसी बातें कर रहा है। मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था, स्टार्टअप नॉर्मल कंपनी नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉइज हायर करते हैं, बट स्टार्टअप में एक आदमी पहले तो फंडिंग के नाम पे ठग लेता है किसी अपना स्टार्टअप खोलता है, पूरे टाइम फटी रहती बंद ना हो जाए। सही बात है। मैंने इंटरव्यू में पूछा मेरी प्रोफाइल क्या है, बोल रहे आप हमारे पार्टनर हो। जिस आदमी को सब्जी देने के बाद दोबारा रोटी नहीं पूछता कोई, वो पार्टनर कैसे? उसको पार्टनर बना रहे हो तो दिमाग नहीं फट जाएगा मेरा? घर पे फोन करो, माँ पार्टनर बना दिया है लोगों ने माँ। अरे नहीं माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। यही लोग चूतिया लगते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा अलग टाइप का माहौल होता है, उनका वर्क कल्चर। बोले ये है टीटी टेबल, ये है कैरम बोर्ड, चेस, आपको जब भी स्ट्रेस हो आप खेल सकते हैं। स्टार्ट तो ऐसे ही, मुझे स्ट्रेस ज्यादा था। सारा दिन खेलता था। इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई, पार्टनर था मैं, ज्यादा खेल रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब मुझे जुआ खेलने से रोकने लगा। जुआ ऑफिस के अंदर? मतलब कि तुम ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हो। मैं माहौल खराब कर रहा हूँ? 8,000 रुपए जिताए इसको, ये नाच रहा है, डीजे बना हुआ फ्री में, तुम बीच में टोक के माहौल खराब करो। बॉस तुम माहौल खराब, निकाल दे मेरे को ऑफिस से बाहर। अच्छा, ऑफिस से निकाल के जुआ खेल लेने। वहां पर बॉस पहुंच गए कि क्या कर रहे हो, मतलब अब तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर आपकी दिक्कत है। बोले तुमको जो खेलना है खेलो, बट ऑफिस तो दांव पे मत लगाओ। लगा दिया। समझ में? पार्टनर था ना, भेज सकता है। जब मेरी जॉब चली गई मैं खुश रहने लग गया था। खुश रहने लग गया।
फिर मैं किसी दोस्त ने समझाया कि यही तो टाइम है डिप्रेशन में जाने का, एफर्ट मारो चले जाओ, वापस कभी मत आना, ठीक लगेगा तुम, एफर्ट मारो। मुझे नहीं ठीक लगा, मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ गया कि सर दिन भर पड़ा रहता हूँ, काम करने का मन नहीं करता। बोले डिप्रेशन ही हराम खुरी कहते हैं। इससे बाहर निकलना है, यू कैन डू वन थिंग, एक काम करो सोलो ट्रेवलिंग कर लो, तुम्हें हाँ, खुद के बारे में, सोलो ट्रेवलिंग अच्छी होती है। चला गया मैं सोलो ट्रेवलिंग, मुझे पता चला खुद के बारे में कि कब्ज है, एसिडिटी है, मेरे घुटनों में तकलीफ, मेरे कूल्हे जाम, सारी बीमारियां इकट्ठी आ गई, ये सब मुझे पता ही नहीं था। 3 घंटे के सफर में 18 बार पेशाब लगती है मुझे। पेशाब का क्या है, जब सोचोगे तब लगता है। अभी तुम लोग को लग चुकी यार, उसकी खुद की भी ऐसी निकल गई। और ये शो छोड़ के कोई नहीं जाएगा बीच में, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। और आप देखो एडवर्टीजमेंट का कितना इंपैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था, जैसे ही हाईवे आता है बड़े बड़े बोर्ड दिखने चालू हो जाते हैं कि गुप्ता जी का खाना चूक ना जाना। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, घर से खाना खा के आया था मैं, बोला ये नहीं चूकना है। हर 10 मीटर पे बोर्ड लगे कि आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मेरी धड़कने बढ़ती जा रही है कि आज मैं कहीं चूक ना जाऊं। गुप्ता जी है कौन? बोर्ड नहीं रुक रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पहुंचने ही वाले हो। मैंने गाड़ी तेज चलाओ यार। फाइनली गुप्ता जी का ढाबा है, खाना खाया, खाना तो घटिया ही पर मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं रहा हाँ। कि मैं चूका तो नहीं, ये है कि चूका नहीं। मैं आगे बढ़ा, एक और ढाबा था, उसमें लिखा था ये है असली गुप्ता जी का ढाबा। हो गया, इतना खराब कैसे काट सकते हो यार। वहां पर भी बैठ के खा रहा हूँ क्योंकि जीवन में चूकना सीखा नहीं मैंने, उल्टियां कर रहा हूँ बैठ के। फाइनली जब मैं पहाड़ों पे पहुंचा, मुझे एक चीज समझ में आई, सोलो ट्रेवलिंग सबके लिए नहीं होती, मेरे लिए नहीं, क्योंकि जो लोग ग्रुप में गए थे वो अपना चिल कर रहे हैं, मैं वहां मैयत मचा के बैठा हूँ, मेरा मूड ही खराब है, बंदर को थप्पड़ मार के केला छीन लिया उसने, इतना गुस्सा था कि बंदर को, वहां माहौल ही ऐसा है, एक आदमी पता नहीं कोई सुसाइड पॉइंट दिखाने में लगा हुआ। बोले ये देखिए ये है मैगी पॉइंट और ये है सुसाइड पॉइंट। मैंने बोले इतनी झांटू मैगी क्यों मना रहा भाई, कि लोगों को मरना ही पड़ जा रहा है उसके। और आप देखो पहाड़ों पे आधे से ज्यादा लोग ऐसे आए हैं जिनको आना भी नहीं। गुड़गांव में कुछ लड़के रेस लगा रहे थे, जिससे रेस लगा रहे थे उसको पता भी नहीं, वो घर गया अपने, ये पहाड़ों पे पहुंच गए, उसका घर पहाड़ों में था, वो भागा भागा जा रहा था, उन्होंने रेस लगा दी। अभी वहां पहुंच के लोकल लोगों के दिमाग चाटने में लगे कि भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, बर्फ पड़वा दो यार, बर्फ पड़वा दो, तुम लोग तो दिन रात मोमोज खाते होगे, ये डोलमा आंटी तुम्हारी आंटी है क्या, जुबिन नौटियाल कब तक आएगा, जुबिन नौटियाल सुना है पहाड़ों पे ही नाचता रहता गिटार लेके, असली शीला जी तो हो गई। नहीं मेरे दोस्त को चाहिए था, मैं ठीक हूँ, मेरा मैं बैठा हूँ बोर हो रहा हूँ, कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे पर मेरे अंदर एटीट्यूड ज्यादा होने की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था। वो बोले हे, मैंने बोला सुन भी सोलो ट्रेवलर हूँ मैं, सोलो चिल करना था मुझे, झुंड में तो सुअर आते। वो बोले तू कौन, मैंने बोला बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। उनको गाली देके भगा रहा हूँ, खुद फूट फूट के रो रहा हूँ कि कहा। थोड़ी देर मुझे समझ में आया कि अकेलेपन से मेरी मौत होने ही वाली, तो कोई बात करे तो कर लेनी चाहिए। एक आदमी मेरे पास आया, बोला बाबा मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। मैंने बोला देख भाई तुझे बच्चा कभी भी नहीं होगा। आदमी का जो शरीर होता है, जो मेल बॉडी होती है, वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। अगर तुम्हें जीवन में संतान चाहिए तो तुम्हें शादी करनी होगी, सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी वाइफ को हो जाएगा। बोले ओ, वो मेक के जाते, पर मुझे तो अपना बच्चा चाहिए। बहकी बहकी बातें कर रहे ये, उसने भी पी हुई थी और इसने भी पी हुई चल रहा हाँ, माल माल
हर जगह माल चल लोग माल फूंक फूंक के भंडे क्या पूछ रहे हैं क्या सुने किसी को समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग माल फूंक के पहाड़ों को गाली देते कितनी दूर से आए माउंटेन्स कॉलिंग सुन के। माउंटेन्स में इतना एटीट्यूड है बुला के बात ही नहीं कर रहा। माल होती क्या चीज है जो इंसान की दुनिया इतनी बदल दे रहा है। तो माल ढूंढने में माल रोड चला गया कि जब नाम ही माल रोड है यहाँ तो बहुत माल होगा। फिर जब वहां लोगों ने माँ बहन की गालियां दी मुझे तो मुझे समझ में कहीं और मिलता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है पर जीवन में एक बार ट्राई करना तो बनता है। पर इसे कभी ट्राई नहीं किया हो तो अनजान लोगों से मत खरीद लेना क्योंकि मुझे तो गोबर सुखा के देके चला गया वो ले जाके पहाड़ी पे खड़ा होके फूंक रहा हूँ गोबर का नशा। एफर्ट मारो कि नशे हो तो रहे मुझे, मेरी दुनिया बदल तो गई है। ये बादल आसमान की तरफ कैसे चले गए, वाओ फक मैन। प्रॉब्लम ये है कि वो फूंकने के बाद अब मुझे नॉर्मल वाला नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे वही चाहिए, वही चाहिए। मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम लोग क्या गोबर फूंक रहे हो क्योंकि वो फूंक के मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। फाइनली मैं देश के बारे में सोचने लग गया था कि जो जर्मन बेकरी वाले हैं ये वापस जर्मनी क्यों नहीं जाते, इंडिया पे कब्जा तो नहीं करना चाहते, ये इंडिया पे कब्जा करना चाहते हैं। इंडिया और वकांडा अगर एक हो जाए तो चाइना की कभी उखाड़ सकते हैं। ये गूगल मैप को कैसे पता चल रहा कि मैं कहां जा रहा हूं? हां गूगल भी कैसे मोबाइल से मेरा पीछा तो नहीं कर। इन लोग का माल खत्म हो चुका है, ये परेशान है, इनका डीलर फोन नहीं उठा। हाँ डीलर नहीं फोन। मैं भैंस का इंतजार कर रहा हूँ, गोबर आए अपना माल बन जाएगा। सुबह घास खिलाई तो थी, अब तक तो माल तैयार हो चुका है यार, ठीक है अब फिर सूखने का वेट भी करेगा। हाँ जी अच्छा, क्या बात। अच्छा इसमें ना डिफरेंट कैटेगरीज कोई एक बात पे बात नहीं थी, बात नहीं थी इसमें। अच्छा पहले आप बताओ आपको कौन सी कैटेगरी अच्छी लगी? मुझे मतलब वो गर्लफ्रेंड वाली। अच्छा। के रोज मैसेज करके कह रही है मुझे दोबारा मैसेज मत करना, ये एक अलग लेवल का एटीट्यूड है। और वो वाली एंड वाली मतलब कि उसने जो माल फूंका था, ओह माय गॉड, कहता कहता किसी ने कहा माल, मैंने कहा माल रोड में बहुत ही माल हो ज्यादा माल होगा, उन्होंने माँ बहन एक कर दी। वो हर के पास जाता होगा ना माल दो, हर के पास जाता माल दो। तो आपको पता है माल की कितनी ज्यादा वो है, मतलब कुछ लोग कुछ भी समझ लेते हैं। हाँ, अब माल तो हाँ, गलत का वर्ड है। हाँ, अब माल को सामान को भी माल कहते हैं, ठीक है जो हम ग्रोसरी करते हैं उसको भी कहते हैं माल। लेकिन जो उसकी हालत थी उसमें मैं वो जाके पूछ रहा था, तो वो तो कुछ और ही समझेंगे। प्रोस्टिट्यूट का भी समझ सकते हैं कि ये माल क्यों पूछ रहा है। तो एक अच्छा ऑफिस यार, अच्छा वो कहता, उन्होंने कहा कि आपको ना स्ट्रेस होती है तो कैरम बोर्ड खेलो। तो मैंने समझा कि मैं पार्टनर बहुत ज्यादा हूँ, मेरे पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत ज्यादा खेलता है। जुआ लगा दिया, जुआ लगा दिया। और एंड पे ऑनर कहता तुमने ऑफिस ही पूरा जुए में, कहता मैं बाहर जाके खेल रहा हूँ लेकिन मैंने ऑफिस जुए में लगा दिया। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब उन्हें ये नहीं लगता कि अगले की गलतियां, मतलब हमारी गलतियां, उन्हें लगता है अगले की गलतियां, हम सही जा रहे हैं, हमने इसी वे में चलना है। हाँ, होते हैं वो बात कर रहा था ना कि जिसमें मतलब कि वो आईफोन वाली स्टोरी जो बताई उसने कि जिसके पास आईफोन आ जाता है वो दूसरों को छोटा समझना शुरू कर देता है। अच्छा ऐसा वाकई FSL ऐसा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक बात है तो वो सब पे अप्लाई होती है। हाँ, तो अच्छे और बुरे तो कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी शायद लेकिन ऐसा हो कि एक चीज मैंने देखी है कि 80% लोग जो है ना वो आईफोन को ऊपर वाली पॉकेट में रखना शुरू कर देते हैं, दिखाना शुरू कर देते हैं, शो ऑफ करना, और कैमरे को मोड़ लेंगे, मतलब कैमरे जो है ना वो बाहर की तरफ दिखे, शो ऑफ हो जाए। एक ये चीज तो करते हैं, लेकिन ये भी है कि अगर आईफोन किसी दोस्त के पास है ना, उसका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, तो जिसके पास ओप्पो है, एंड्रॉइड है, तो वो बार बार उसको टॉन्ट मार रहा होगा, चल यार तेरा कौन सा फोन है, मैं क्या करूं। और एक बात और भी कि वो जब आईफोन उनके पास आ जाता है ना, तो वो दूसरे को समझते हैं कि ये अब छोटा है। हाँ। मैं बहुत बड़ा इंसान हो गया हूँ, तो मैं इससे अब जो है ना एटीट्यूड में बात करूंगा। और अभी कि वो पीटीए प्रूव नहीं होता, पीटीए प्रूव नहीं होता, पीटीए प्रूव नहीं होता, बस वो तीन कैमरे उनको मिल गए और वो एलीट क्लास में शामिल हो गए, और फिर वो दूसरों को कमतर समझना शुरू कर देता है। और ऐसा बाज़ोकात होता है कि ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो कोई लड़का लड़की मतलब लड़की जो लड़के होते हैं वो आईफोन दिखाना शुरू कर देते हैं लड़की को, देख के आईफोन बाहर निकाल लेंगे। ये जो उसने कहा ना कि वो एयरपोर्ट पे गया और वहां पे जो है ना वो आईफोन निकाल के, अब मैं रिसेंटली एयरपोर्ट पे गया हूँ, ठीक है,
तो अब मेरी इंटेंशंस तो नहीं थी, मेरे मतलब कि मेरे ना मैं ट्राउजर पहना हुआ था, तो मेरे पास बटवा भी था, एक छोटा फ़ोन भी था, चाबी भी थी, कुछ और भी था सामान शामान मतलब था कागज़ वगैरह। तो आईफोन मैंने ना हाथ में पकड़ा हुआ था कि कभी भी मुझे ना कॉल करनी पड़ सकती है, तो फादर को जो है ना वो उधर मैं छोड़ने गया। तो अब ना मतलब कि बॉयज भी मेरी तरफ देख रहे हैं, गर्ल्स भी देख रही हैं, तो एकदम से मुझे फील हुआ कि शायद ये मुझे शोखा समझ रहे हैं। हाँ, कि मैंने मतलब, पकड़ा हाँ, हुआ है। कि मैंने हाथ में फोन पकड़ा हुआ, तो ये बार बार जो गुजरता है इस तरह करके, तो अब उधर बंदा शक में पड़ जाता है कि इनको पसंद आ गया हूँ या ये मेरे पे हंस रही हैं। सही बात है, या हंस रहे हैं या हंस रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना उसको जेब में डाल लिया, छुपा लिया। मैंने कहा यार मतलब कुछ भी गलत समझ सकते हैं लोग। तो ये दूसरा अगर इसकी बात करें वे ऑफ डिलीवरी की, तो कैसी लगी? वे ऑफ डिलीवरी बहुत अच्छा था। अच्छा, मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा, कुछ कॉमेडियन होते हैं वो ऑडियंस पे कॉमेडी कर रहे होते हैं, उन पे जॉक्स लगा रहे होते हैं, या अब मतलब आउट ऑफ द वे जाके गालियां वगैरह गंदी लैंग्वेज, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक फैमिली कॉमेडी थी, आप फैमिली के साथ बैठ के कर सकते हो, देख सकते हो। और यार मतलब इतना सॉफ्ट इंसान, मतलब मेरा दिल कर रहा था यार इसकी मैं बातें सुनो, उसका उस जैसे मतलब कन्वे कर रहा था ना, वो बड़ा अच्छा था, वो अच्छा था, वो अपने आप को बहुत टोन लगा रहा था अपने आप की, उसकी खुद पे ही था 80% उसने अपनी क्लास लगाई है पूरी कॉमेडी में। तो ओवरऑल भाई मैं तो फैन हो गया हूँ, जैसे मैं पहले आकाश गुप्ता का था, उसके अलावा जो है जाकिर खान का था, उसके अलावा जो है मैं तीन चार और भी हैं, अभिमन्यु भी है उसके अलावा, लेकिन अब इस लिस्ट में जो है वो ये भी ऐड हो चुके हैं, रवि साहब भी, रवि गुप्ता साहब भी ऐड। और गुप्ता से याद है गुप्ता होटल, वाकई असली गुप्ता होटल कहता, बोर्ड बिल बोर्ड लगे तो मेरा मेरा पेट खराब हो गया। जर्मन बेकरी कहता ये जर्मन बेकरी वाले जर्मनी क्यों नहीं चले जाते यार, मतलब इतना हैवी माल फूंका हुआ था, ये तो कब्जा कर लेंगे इंडिया पे, इनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल यार बहुत एंजॉय किया है, अगर आप लोगों ने भी एंजॉय किया है तो इसको लाइक ठोक दो यार, 100K जो है ना वो, और हमारे चैनल को 100K बोल रहा हूँ भाई, 1K लाइक टारगेट रख लेते हैं जी, 1K जो है ना इसको लाइक टारगेट दे दें, और 50K जल्दी जल्दी से करा दें। ईशा तो कह रही थी मैं तो सो जाती हूँ, इतना ठंडा चैनल चल रहा है, इतना ठंडा आजकल, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा हुआ, या हम ठंडे हुए हैं या देखने वाले ठंडे हुए हैं। तो यार आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, हम हो गए हैं, उठना पड़ेगा, कहीं हम थोड़ा सा जो है ना ऑफ ट्रैक हो गए थे, लेकिन हम दोबारा से जो है ऑन ट्रैक आ गए हैं। तो आप लोग जो सोए हुए हो ना बिस्तरों से निकल आओ, तो एंजॉय करेंगे, और बताएं और कौन कौन सी कैटेगरी पे हम करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और क्या करना होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और देखते रहे इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।